भाई सारे भाई राम राम है। मैं आपका साथी सुंदर सांगवान है और मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ अपने घर के बाहर। देखिए बाहर से हमारा घर ऐसा है और भाई अब चलते हैं अखाड़े में और इस वीडियो में मैं अखाड़े का रास्ता दिखाऊंगा और ऐसे जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए यार। पूरा अखाड़ा दिखाऊंगा और फिर वो ओदी दिखाऊंगा जिस ओदी में बर्फ से गिर के नहाए थे। भाई यह है ना बहुत सारी चौड़ी गाड़ है ना खाड़े की तरफ जा रहा है। गांव तो बाहर है खाड़ा भाई गरता है ना बड़ी गाड़ में एक चौक आ जाएगा। यो तो गांव ने भीतर बढ़ जा है ठीक है। यो इधर बाहर की तरफ जा खाड़े की तरफ इधर नहीं जाना अपना बाहर निकलना गांव से बाहर वहां पे खाड़ा है भाई जो है ना वो रास्ता था ना गाड़ आई थी बड़ी गांव ते बाहर फिर एक दूसरा चौक और आ जाता है। यो चौक आ गया इस चौक ते ना यो तो छुड़ानी की तरफ जा है रास्ता और यो है दुनेड़ी की तरफ जा बार बार और अपना खाड़ा है मातर की तरफ है। जो यो बार बार बंदा जा ना इधर है अपना खाड़ा आपको इधर आना है। भाई देखे लोग है ना धर्म के नाम पर आड़े कीड़िए का बिल है आड़े वो गिर जा है आटा फिर ये क्या रह दे घोड़ी और पशु जो लोग छोड़ दे है ना चरण खतरे फिर इन खावा है वे नहीं सोचा धर्म वो है लेकिन वो पाप वो है क्योंकि ये छाट के खाती है नहीं ये सीधा मुंह मारा है जीव की गहरा जो चीजा है तो ऐसा काम मत करो। अरे सब का रखवाला भगवान है किसी को भूखा नहीं सोता भगवान सब पेट भर के खाते हैं तो ऐसे धर्म नहीं होता। अगर आपको रियल में धर्म करना है ना किसी भूखे को खाना खिला दो किसी को चोट फेट लग रही है किसी पशु को या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसकी हेल्प कर दो ये ऐसे आपको धर्म नहीं होगा पाप होगा आपको। भाई वो चौक तो दो दूसरा चौक आता है उसका अज्ञान मात्री तरफ जावांगे ना फिर एक कच्चा रास्ता उतरा है खाड़े की तरफ यो बार बार मातड़ क्या ना चला गया और यो है रास्ता हमारे खाड़ी की तरफ आपको इधर आ जाना कच्चा रास्ता देख रहे ना इसकी पहचान है वो चौक से 100 मीटर चलने के बाद आप इस पर चलते जाना है घना लंबा रास्ता नहीं है थोड़ा ही है। अरे इधर देख जंगल उंगल है किकरी दो काबली किकर है जंगलों में खाड़ा बना रखा है क्योंकि खाड़े यार एकांत में हो यार भाई साफ बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाए प्रदूषण ना हो वहां ऐसी संस्थाएं चलती है। भाई जैसे ना क्या हो गए ना जोड़ आ जाएगा ये वो है जोड़ है भाई जिसमें मैं नहा करता ठंड में वो है जोड़ है भाई इसमें नहर का पानी आता है वैसे गंदा पानी है साफ सुथरा पानी है। और भाई यो अपना जोड़ आ गया वो भी दिखा दिया मैंने आपको इब चलते हैं अखाड़े में। भाई यो अपना अखाड़ा आ गया भाई ये जन्नत का घर है क्यों है एक तो पेड़ पौधे है और बस शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है ऐसी इससे जन्नत की जगह कोई है नहीं। शहरों में बहुत सारा प्रदूषण है और भाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहाँ पे व्यायाम करोगे ना आप स्वस्थ रहोगे। और भाई एक भैया मैच अपनी जी मैं बढ़ कर बैठा के खींचा रू भाई वर्कआउट करा रहा भैया मैच अपनी और भाई यह अपनी धर्मशाला है। देखो इस धर्मशाला की एक खासियत है 100 साल पुरानी है और जो पुरानी छोटी ईट है ना उन ईटा ही बन रही है चुनने के लिए पाई कर रखी है। और भाई इधर इसके गाटर रेल के गाटर है जो अभी गाटर है त्रिवे गाटर है पुराने रेल के मजबूत जो 100 साल चलते थे। और भाई ये था कि छोटा दरवाजा यहाँ पे हम सामान रखते हैं ये गेट तो हमने अभी लगाया है पहले ये था नहीं खुल रहा था ऐसे सिंपल है सुरक्षा के लिए लगाया हमने गेट। और भाई टायरों को आप अच्छी तरह पहचानते हैं ये निकली डिब्बे वाले भी और भाई वे भी करता था जिन्हें साथ कुश्ती की वीडियो बनाता था भाई कॉमेडी वीडियो। और भाई इसे इसको तो आप पहचान गए होंगे यहाँ पे इसको बांध के ईटे रख के निकली डिब्बे वाले ना उन ऐसे बांध के जाता था ये तो वो खींचने वाला रस्सा है इसको वर्कआउट के लिए भी यूज करते हैं और भाई एज ए वीडियो भी यूज करते हैं ये हमारा चढ़ने वाला रस्सा ये 3 खंबे गाड रखे है भाई। और सबसे अहम चीज दिखाता हूँ अहम ये है सबसे अहम चीज हमारा अखाड़ा जिसकी हमेशा पूजा पाठ करते हैं यहाँ से हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आए हैं। और भाई है ना नहाने के लिए ये हमारी कुई है ये भी 100 साल पुरानी है छोटी ईटों की बनी हुई है और एक और बात इसकी ये 100 फुट डूंगी भी है। और भाई ये छोटी ईट पुरानी चूने से लिपाई कर रखी इसकी ये थोड़ा मॉडिफाई करा रखा है ऊपर थोड़ा अभी नई ईट लगाई है
और भाई देख यह पानी खींच गया, यहाँ एक बाथरूम टाइप में वो बना रखा है। और भाई देख ये समरसीवर अभी लगवा है, और भाई यहाँ पे बीम लगाने के लिए है हमारे पास है। और भी बहुत सारी पुरानी चीज दिखाता हूँ मैं अखाड़े में। और भाई ये अपने महाराज जी थे यहाँ पे तपस्या करा थे, तुलाराम महाराज जी थे कैर वाले। और ये भी उन्हीं की मड़ी है भाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी ने कहा भाई यहाँ पे महाराज जी समाधि ली थी, लेकिन बाद में सब पता चला भाई वहां पे ली थी, तो ये दो बन गई थी। और भाई ये भी हमारा 100 साल पुराना मंदिर है। पहले है ना ये नीचे नीचे का हिस्सा था, शिवलिंग शिवलिंग था, ये नहीं बनाया था, ये तो अभी बनाया है भाई, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा भाई सुधार कर दिया, बाकी है ये 100 साल पुराना। और भाई बहुत हमारे गांव के बहुत लोग इसको, बहुत क्या पूरा गांव इसको मानता भाई, बहुत शक्ति है। और भाई ये मैंने अखाड़ा दिखा दिया, अब रहेगी होदी, वो होदी भी दिखाऊंगा जिसमें बर्फ से नहा था भाई, 15 सिद्धि थी वो उससे नहा था, वो भी दिखाऊंगा। आओ होदी के पास चलते है भाई, ईब आ गया हम होदी के पास है। अरे यह हवा अपनी होदी दिखा, नजदीक से दिखा एक बार, यह अपनी होदी है भाई जिसमें बर्फ तो नहाए थे। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, साथ देना सपोर्ट देना का मतलब ये है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और भाई को कमी है ना कमेंट करके बताए। भाई मेरे को नहीं आते ब्लॉग बनाने भाई, मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ लेकिन ब्लॉग नहीं बनाने आते। और भाई ये कोशिश करो, किसी भाई के कह रहे भाई आप भाई साहब ब्लॉग बना रहे हो, इसे ब्लॉग की शुरुआत करी है, आप सभी रिक्वेस्ट है आप साथ दो, और जो कमी है ना उसको मेरे को कमेंट करके बताओ, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कर सकूं भाई। थैंक यू।